तो गाइस यार लास्ट एपिसोड में आप लोगों ने देखा कि कैसे हम लोग रुइन वाले केव में थे और रॉनी के एक नेदरराइट ब्लॉक तोड़ते टीएनटी की बारिश स्टार्ट हो गई। हम लोग वहां से भागने लगे और तभी मुझे किसी चीज ने अपनी तरफ को खींचा और मैं एक दूसरे वर्ल्ड में आ गया जहां पे सभी लोग मरे हुए थे और मुझे दोबारा से दिखा एंडर गॉड। मैं अपनी जान बचाते हुए कैसे न कैसे एक आदमी के पास पहुंचा जो कि एक्चुअल में गॉड निकला। उसका नाम था नियो गॉड और रहता था नेबुला में, जहां पर उसे पूरी दुनिया का दिखता था और उसने मुझे बताया कि कैसे हम लोग एंडर गॉड को बंदी बना सकते हैं। अगर हम लोगों ने उसके सारे के सारे जनरल्स को मार दिया जो कि 8 जनरल्स हैं, तो उनके वेपन्स और शार्ट से हम लोग नियो गॉड को कैसे ना कैसे करके बंद कर सकते हैं। बट उसके बाद मेरी आगे खुलती एक विलेज के अंदर और अब आगे। तो गाइस यार वेलकम बैक हो गया सभी लोगों का इस बिस्ट में। आई होप आप लोगों का आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक वाला बटन दबाना यार, 100K लाइक का गोल लगा रहा है तुम्हारा भाई। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है नीचे सब्सक्राइब का बटन जल्दी से कर दो गाइस, 3 मिलियन की तरफ को बढ़ रहे तो जल्दी से सब्सक्राइब वाला बटन दबा देना और चलते वीडियो की तरफ को। ओ भाई ये कौन सी जगह मैम, ये लोग कौन है? व्हाट रॉनी जैक पिक्सल कहाँ है? ओए सब छोड़ो, तुम ये बताओ तुम क्या कुंभकर्ण हो क्या भाई? कुंभकर्ण हो क्या बातें कर रहे हैं भाई, दिमाग खराब है क्या? अरे भाई यार क्या बोलूं मैं तुम्हें यार, 1.5 दिन हो गए तुम्हें सोते हो, तुम्हें को उठना नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। अबे 1.5 दिन तेरा दिमाग खराब है क्या? अभी अभी तो नियो गॉड से मिल के आया मैं नेबुला से। भाई क्या बोले जा रहे हो, नशा कर रखा है क्या? अबे इन लोगों को कुछ पता ही नहीं है क्या? अबे मेरे को जैसे ही वहां पे टीएनटी बजना। और जैक कैसा है भैया, कैसे हो मिस्ड्यू? अरे मिस्ड्यू टू मेरे दोस्त यार, मैं यहीं पर तो था यार अभी तो एक दो घंटे पहले। ध्यान से भाई, तुम्हारी टीएनटी से इतनी क्या हवा टाइट हो गई भाई? क्या मतलब हवा टाइट हो गई भाई? 1.5 दिन तक सोती रही तुम टीएनटी की आवाज सुन के? अबे तेरा दिमाग खराब है क्या, टीएनटी की आवाज सुन के 1.5 दिन? भाई मेरे को जैसे ही टीएनटी फटना शुरू हुआ वैसे ही एक पोर्टल ने अंदर खींच लिया और मैं पता नहीं कौन से कुछ नेबुला नाम के कोई वर्ल्ड में चले गया था। भाई मैंने वहां एंडर गॉड भी देखा है, तेरे को यकीन नहीं होगा। डॉक्टर साहब देखना, ये पागल तो नहीं होगा जरा? मेरी दवाई से भी नहीं जागे आप? नहीं जागे? अबे एक दो घंटे पहले ही तो हुआ है ना सब कुछ। अबे भाई 1.5 दिन हो गया तुम्हें सोते हो भाई, 1.5 दिन, और तुम उठा के अपने कंधों पे लेके आऊं मैं यहाँ पे? हैं जैक ने तुम्हारे पकड़े पैर, मैंने पकड़े तुम्हारे कंधे, उठा के यहाँ पे फेंका तुम्हें बेड के ऊपर। तेरा दिमाग खराब, मेरी 4 डायमंड फीस दो भैया पहले। अबे तेरा दिमाग खराब है कि इसको यार, इसको चैटे मार दूंगा मैं, पैसे पैसे पैसे। पागल आदमी है कि पहले कुछ खाने के लिए दो भाई, कितने भाई पूरे दूसरे वर्ल्ड से होके आ रहा हूं मैं, पता है तुम लोगों को? भाई तुम रहन दो यार, दूसरे वर्ल्ड भाई, दूसरा वर्ल्ड भाई। भाई तुम्हें सुनो तो सही। हाँ अरे हम लोगों को पता है एंड्रो गॉड को मारने का तरीका पता चल गया है। हाँ हम लोग उसको मार सकते हैं भाई, अगर हम लोगों ने उसके सारे जनरल्स, उसके 8 जनरल अगर उन्होंने उसको मार दिया तो हम लोग फिर एंडर गॉड को भी बंदी बना सकते हैं अपना, और फ्लीट एसएमपी वापस अपनी। अच्छा तुम गॉड को मारोगे और एसएमपी वापसी लोगे? हाँ और क्या करेंगे जैक, एक बार चेक करिए भाई, शायद ज्यादा लगी है। अबे तुम दोनों क्या मुझे पागल समझ रहे हो क्या भाई? एक ना मेरे को तुमको ना करना पड़ेगा, तुम्हारे नीचे लिटा के सिर पे गोड्डा मारना पड़ेगा। अबे तेरा दिमाग कर, ओए मारो मत भाई, सुनो मेरी बात सुनो, चलो आ जाओ मेरे साथ आओ ठीक है, हम लोग चलते हैं एसएमपी की तरफ को, वहां पर एंडर गॉड के 8 जनरल मारने, उनको मारते हैं और उसके बाद ये भाई पूरा का पूरा वर्ल्ड अपना वापस। भाई जैक तू कुछ कर यार। क्या मतलब क्या कर भाई, क्या हो गया? अरे नहीं नहीं मेरा क्लिनिक है यहाँ, मतलब क्या तू नहीं चलेगा क्या वहाँ? अरे क्या पागल हो रहा है क्या? चल रॉनी तू चला जा, तू और मैं चलते हैं, इसको यहीं रहने दे भाई। तुम रहने दो भाई, तुम पहले तो यहाँ पे बुला के ले, पिलवा दिया था मेरे को। अबे क्या मतलब तुम? अबे मैं नहीं आऊंगा मतलब क्या? तुम लोग क्या एंडर गॉड से लड़ोगे? नहीं ना 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 भाई, नहीं लड़ना किसी, हम यहीं पे रहेंगे। अबे क्या ये विलेज में रहोगे तुम लोग? इतना बढ़िया तो विलेज भाई, यही बनाएंगे ना घर, यही बनाएंगे नहीं एसएमपी बोलो। हां वैसे उससे लड़ने की तो जरूरत नहीं है, पर सुनो 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 सुनो, हमारे इस वर्ल्ड में भी तो हमला हो सकता है ना, हो सकता है या नहीं हो सकता है भाई? जैसे वहां पर एसएमपी में हमला करा तो यहाँ हम बनाएंगे, वो यहाँ भी आके तोड़ देगा? नहीं तोड़ेगा, नहीं तोड़ेगा ना भाई, उसको दे दिया ना हमने वाला एरिया इतना बढ़िया बनाया है। वो दे देगा नहीं, वो पूरे वर्ल्ड का उसके नाम पे वर्ल्ड कर दिया है उसने, मैं सब संभाल लूंगा। अबे तू रहने दे यार, तेरे से एक बंदा तो लपटता नहीं है, तेरे से तू सब संभाल लेगा। सुनो फिर सुनो ठीक है, हम लोग यहीं पे रहेंगे बट एटलीस्ट इतना तो कर लेते हैं कि अपने थोड़े आर्मर बना लेते हैं और टूल्स बना लेते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा घर वर बनाना वो सब आराम से करेंगे, बट पहले सारे टूल्स और आर्मर बना लेते हैं, एटलीस्ट इतना तो कर ही सकते हैं ना भाई। ये मान लेता तुम्हारी बात इस बार भाई, बच के तो रहना है, अगर हम पे हमला हो गया तब तो बचेंगे। लो भैया गिफ्ट, क्या दे रहे हैं ऐसी की तैसी तेरी, भाग यहां से।
नहीं भाग, अबे यार चलो आ जाओ मेरे साथ आओ, फटाफट से टूल बनाना स्टार्ट कर दें। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ी बातें बातें करी और हम लोग सीधे निकल के डायमंड्स की खोज में, ताकि हम लोग अपने आर्मर और वेपन्स बना सके। बट जैसे ही हम लोग विलेज में वापस आए तो हम लोगों को दिखा एक बंदा और उसके साथ दो साथी। अब ये कौन था ये पता नहीं, पर कुछ तो होने वाला था। सुनो रॉनी और जैक, तुम एक काम करो, तुम ये दोनों को लेके जाओ और जो हमने ट्रैप बनाया था ट्राई करना है कि उसमें, ठीक है? तुम लोगों पे भरोसा कर रहा हूँ मैं, और बाकी बीच वाले को मैं लेके जाता हूँ, ठीक है? चलो भागो 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 जल्दी भागो। प्लीज 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 प्लीज, बीच वाला मेरे पीछे आ रहा हूँ। जैक आ रहा है। ओह अरे भाई है इसके दोनों हाथ, भाई ये दो हाथ से मारता है क्या? रुको जरा। ओके बढ़िया भाई, मेरे को लग रहा है इसके बाद। ओह व्हाट, हाफ एचपी कर दी एक शॉट में, हाफ एचपी। ओके भाई इससे हम लोग पीवीपी तो नहीं कर सकते भाई, हम लोग को भागना ही पड़ेगा, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा, बट क्या कर सकते हैं। चल चल अभी भी आ रहा है क्या पीछे? नहीं आ रहा है। अबे यार ये तो नहीं छोड़ेगा भाई, भागते रहो भागते रहो भागते रहो भागते रहो। ओके अभी भी आ रहा है क्या? अबे यार भाई पानी वानी किसी चीज से तो डर भाई, एंडरमैन जैसा दिखने का है, डर किसी चीज से नहीं रहे। ओके ऐसे तो भागते भागते मेरा ही फूड खत्म होगा भाई, रुक जाओ। ओके आ जा आ जा, तुझे बताता हूँ भाई। बस यार प्लीज रॉनी और जैक उसे फंसा ले बस, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, बस मैं फटाफट से बनाना। अरे तू रुक जा, तेरे को बताता हूँ, हाथ हिला रहा है ना, रुक जा। मैं बना तो रहा हूँ इतना ऊपर, बट मेरे को सही में कुछ आइडिया नहीं है अभी कि क्या करने वाले हैं हम लोग, कुछ तो करेंगे। okay. भाई इसके पास ब्लॉक्स भी है, इसके हाथ में स्वॉर्ड भी है, इसके पास एक्स भी है, भाई कौन है ये है? उनो भाई ये तो बनाए जा रहे हैं। प्लीज 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 भाई प्लीज, बस सही से काम कर देना। जैक और रॉनी तुम लोगों पे बहुत भरोसा कर रहा हूँ मैं। फटाफट आओ भाई मेरे साथ डायमंड के टूल बनाते हैं भाई जल्दी आओ यार एक मिनट रुक 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 सुनो 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 देखो हम लोग डायमंड के टूल जितनी जल्दी तो नहीं बना पाएंगे राइट थोड़ा टाइम तो लगेगा ही कम से कम दो या तीन या चार या दस दिन भी लग सकते हैं राइट लेकिन अगर उससे पहले हम पे हम लोग गए तो मैं तो बोलता हूँ एक एटलीस्ट ट्रैप रैप कुछ बना के रखते हैं ठीक है कहने का मतलब है कि कुछ ऐसा ट्रैप रैप बनाते हैं जिससे बाई चांस अगर हमारे पास टूल्स भी नहीं होते हैं क्या बोलते हो मेरे पास आइडिया है हाँ बता बता चलो बढ़िया भाई जैक पहली बार यूजफुल हो रहा है भाई क्या आइडिया तेरे पास भाई भाई पहली बार भाई मैं बेहोश कर दूंगा दवाई अबे रहन दे भाई तेरी दवाई से तो ये ठीक हुआ नहीं तेरी दवाई से आज तक कुछ हुआ नहीं है अपना सर तो तू फुड़वा लेता है चल चुपचाप ही जरा मेरे पास एक आइडिया ट्रैप ले मेरे को लगा सही में कुछ काम की चीज़ बता रहा होगा अब एक काम करो सुनो सबसे पहले थोड़े से वुड के टूल्स बना लो अपने लिए और उसके बाद हम लोगों को काम धंधा शुरू करना है तो फटाफट करते चलो फटाफट इधर आओ फटाफट इधर आओ दोनों के दोनों इधर आओ ठीक है तो ये ट्रैप हमें जल्दी से जल्दी बनाना है ठीक है ताकि अपना टाइम वेस्ट ना हो मैं फिर टूल्स बनाने भी स्टार्ट करने तो हम लोग क्या करने वाले हैं ये ट्रैप के लिए हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लकड़ी चाहिए होगी ठीक है ज़्यादा से मेरा मतलब है कम से कम नहीं भी तो एक स्टैक वुड का लॉग समझो ठीक है तो चलो सारे के सारे बट जाओ एक एक स्टैक लेके आओ जल्दी जाओ ठीक है चारों तरफ बटो एक तो यहाँ पे घर भी बहुत है भैया ट्रैप बनाने की साले की सर में मारूंगा ना तेरे कुल्हाड़ी से तभी मानेगा तू मेरे को एक मस्त जगह दिखी थी जहां पर हम लोग आराम से अपने ट्रैप को बना भी सकते हैं लाइक बहुत ही ज्यादा सॉलिड जगह थी ठीक है फटाफट से मैं बताता हूँ तुम लोगों को ठीक है मे बी तुम लोगों को ये ट्रैप समझ में ना आए स्टार्टिंग में बट मैं अभी तुम लोगों को अच्छे से समझा दूंगा पूरा का पूरा और चलो छोड़ो चलो हाँ ये थैंक यू भाई ना ना रेंद्र रेंद्र चलो रेडी तो देखो हम लोग बनाने वाले ट्रैप यहाँ पर ठीक है सैंड के ऊपर हम लोग ट्रैप बनाने वाले हैं तो हम लोगों को बहुत ध्यान से रहना पड़ेगा कि हम खुद ना गिरे इस ट्रैप में ठीक है बहुत खतरनाक ट्रैप बना ले तो सबसे पहले हम लोग एक एरिया सेलेक्ट करते हैं ठीक है इधर को भी 11 और इधर को इसको मिला देते हैं ठीक है बस रॉनी रुक जा इतना ठीक है ये अपनी आउटलाइन हो गई अरे रुक जा यार काम करने से पहले समझाना ठीक है भाई इसके अक्कल ना हो काम का जरूर है पर ये ठीक है तो हम लोगों को क्या करना है देखो मैं ट्रैप के लिए तैयारी करता हूँ तुम लोग मेरे को फटाफट से सारा का सारा वुड दे दो अपना अपना ठीक है और तुम लोगों से मेरे को जो काम है वो ये है कि तुम लोगों को ये जितना भी है ना इसको नीचे को खोद के चलना है मान के चलो कम से कम 21 या 22 हाइट तक ठीक है या फिर उससे भी नीचे मैं बोलता हूँ 25 हाइट तक नीचे चले जाओ इसको
25 या 27 भी जा सकते हो, तुम्हारी मर्जी है ठीक है। चलो शुरू हो जाओ फटाफट से, इसको पूरा का पूरा ऐसे खोद के नीचे तक का ले जाना है तुम लोगों ने ठीक है। चलो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फटाफट से जितने ज़्यादा हो सकते हैं ना ओक के प्लैंक निकालने, एक ये करना है। तो हम लोगों को 121 ओकवुड साइन चाहिए, आई डोंट थिंक इतने में काम बनेगा, बट एटलीस्ट जितना है उतना तो करके देखते हैं ठीक है, उतने बना के देखते हैं, उसके बाद देखेंगे कि कितने का लाइक कितना बच रहा है और कितना रह रहा है। तो चलो फटाफट से जितने ज़्यादा हो सकते हैं मैं उतने ज़्यादा साइन बोर्ड बनाता हूँ, अभी मैं भी इन लोगों के साथ लग के फटाफट खोदने में हेल्प करता हूँ। जैक कुछ काम का नहीं है भाई, भैया कुल्हाड़ी दे दो। अबे कुल्हाड़ी से खोदेगा क्या इसको, अबे लोग बेलचे से खोदते हैं, इसको कुल्हाड़ी चाहिए इसके लिए भाई, तो बेलचा दे दो बस भाई तुझे। आ रहा रुक जा, देता हूँ तेरे को रुक जा, इसको तो भाई मैं दे दो ही लगे रहती है। तो फाइनली गाइज हम लोगों ने ये गड्ढा पूरा का पूरा कंप्लीट खोद दिया है ठीक है। तो बस ये हो गया, अभी सुनो आइडिया क्या है मेरे पास, अब हम लोग ऊपर कैसे जाएंगे ये देखो ठीक है। मैं इसको बनाते हुए आ रहा हूँ ठीक है, तुम लोगों ने क्या करना है इसको तोड़ते हुए आना है ठीक है। ओ भाई ओ ओ ओ जैक आजा भाई आजा आजा, चढ़ के आजा इसके ऊपर ठीक है। तो जैक तेरे को तू लास्ट मारना पीछे से तोड़ते हुए इसको, हाँ वेरी गुड ठीक है, इसको तोड़ते हुए पीछे से। थोड़ी तुम लोगों के पार्कोर की प्रैक्टिस भी करवा दी मैंने, अबे ऑलमोस्ट मर गया था मैं। चल जैक तू सबसे आगे निकल, अब रॉनी तू बना आगेगा ठीक है। चल जैक तू सबसे आगे निकल, मैं तोड़ते पाऊंगा। चल बहुत ही ज़्यादा बढ़िया भाई, उत्तम उत्तम क्वालिटी का घी देखा है तुमने। आओ भाई आओ, रुक जैक ये ले भाई, इससे हो नहीं पा रहा लग रही है, ये ले आ जा, इस पर कूद दे तू ठीक है, इस पर कूद। अच्छा ये तो अबे यार सॉरी यार, जैक ये ले इस पर कूद। अबे साले इतना तो कूद ही सकता है, इसमें भी चल के जा रहा है वहां पे, कूदना है तुम्हें। हाँ चल ए राम नमूनों की टोली के बीच में भाई, में भाई कंट्रोल भी दबाना जैक भाई। रुक जाओ यार रुक जाओ, मैं ऊपर जा रहा हूँ, मैं ऊपर से पानी फेंक दूंगा नीचे ठीक है। चलो अरे ये क्या हो रहा है भाई, कोई तो ऊपर जा रहा था भाई पानी फेंकने के लिए। अरे यार तो भाई मैं जा रहा हूँ यार, मैं ऊपर ही जा रहा हूँ पानी फेंकने के लिए। आ जा भाई आ जा जैक आ जा, इसके पानी के थ्रू आ जा आ जा आ जाओ। अब ये तोड़ना पड़ेगा पूरा का पूरा, वरना वो बच सकते हैं भाई, अगर कोई भी इस ट्रैप के बीच में गिरा तो वह इजीली बच सकता है। तो इसको तोड़ते हुए आ रहा हूँ अब नीचे से ठीक है, जितना तेरे हाथ पड़ता है सब तोड़ते हुए। और जैक तू क्या कर, तू ये वाली लाइन तोड़, ये सीधे वाली लाइन तोड़ रहा नहीं, इसको नहीं तो पत्थर तोड़ते हुए, पत्थर इनको चढ़ते हुए तोड़ते हुए तू वाली लाइन तोड़। जैक तू वाली लाइन के सीधे खड़े हो जा और नीचे को तोड़ते हुए जा ठीक है, बाकी पानी से वापस आ जाइए ऊपर। चल बहुत बढ़िया। अबे यार मैंने ध्यान नहीं दिया भाई कि मेरी एचपी कम है, मैं बनाया जा रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ गिर के क्या ही मरेंगे भाई। अपना एटलीस्ट ट्रैप तो सेट हो गया ठीक है, मतलब कहने का मतलब गड्ढा सेट है, अब इस गड्ढे को ढकना है ठीक है। तो मैं तुम लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ, बड़ी मस्त ट्रिक है, मे बी तुम लोगों को आई जाएगी ऐसे समझ में क्या ही है इसमें इतना। देखो ऊपर तो हम लोग पूरा का पूरा सैंड डालेंगे राइट, तुम लोगों ने सैंड खोदते हुए, चलो मेरे पास काफ़ी पड़ी हुई है, सैंड खोदते हुए रखी तो होगी ना अपने पास, और अभी 121 के आसपास ही होगी। देखो हमें सिर्फ एक इसको साइन को ऐसे रखना है ठीक है, एक साइन बोर्ड को, अब बाकी के सारे साइन बोर्ड जो है वो इसके ऊपर होने चाहिए ठीक है, ऐसे करना है हमने। और मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया है कि मैंने गलत वाले साइन बोर्ड को लगा दिया, क्योंकि देख मैं बताता हूँ ये ट्रैप कैसे काम करेगा। देख अभी अगर मैं ये वाला साइन बोर्ड तोड़ दूँ ना, ये देखा दोनों टूट गए, हम लोग इधर पे आते ठीक है, मान लो कि रॉनी यहाँ पे बैठे रहेगा ठीक है, मान लेते कि रॉनी यहाँ पर बैठे रहेगा और यहाँ से साइन बोर्ड तोड़ेगा ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर अपना पहला साइन बोर्ड लगाएंगे जो कि स्टार्ट करेगा सारे साइन बोर्ड्स को। आई होप मेरे पास सारे साइन बोर्ड पड़े, वरना हम लोग को बहुत सारा और बोर्ड लेके आना पड़ेगा ठीक है। तो मेरे को क्या चाहिए तुम लोगों से, मैं तुम लोगों को साइन बोर्ड दे रहा हूँ, इधर आओ, ये ले रॉनी और क्या कहते हैं जैक इधर आओ, दोनों को मैं दो दो स्टैक दे रहा हूँ ठीक है, बांट लेना आपस में, दो दो स्टैक दोनों रखना ठीक है। आओ एक साइन बोर्ड ही दिख रहा है तुम्हें, यहाँ आओ यहाँ आओ, देखो जल्दी आओ, मैं तुम लोग समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग करते रहना। एक साइन बोर्ड दिख रहा है ये वाला, अब तुम्हें कोई भी साइन बोर्ड जमीन में नहीं लगाना है ठीक है, कहने का मतलब है सैंड में नहीं मारना है तुम्हें, इसी के ऊपर मारना है ठीक है। चलो फटाफट से
जैक भैया फेल फ्रॉम अ हाई प्लेस, बहुत बढ़िया दोस्त, बहुत ही ज्यादा उम्दा। रोनी फेल फ्रॉम अ हाई प्लेस, बहुत बढ़िया भाइयों, इसीलिए तो बनाया है ये तुम लोगों के गिरने के लिए। बहुत बढ़िया, यही गिरते रहेंगे भाई, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को, एनिमी थोड़ी ना लेके आएंगे इसमें। अभी हम लोगों को क्या करना पड़ेगा ना, वैसे तो कायदे से हम लोग इसके ऊपर अब सैंड लगाना स्टार्ट कर सकते हैं, बट मेरे पास एक आइडिया है, थोड़ा बहुत बंदा फिर भी बच सकता है, तो एक काम करते हैं थोड़ा सा और वुड जमा करते हैं। मैं बोलता हूँ आ जाओ ये विलेज में चलते हैं, ये विलेज के साइड के सारे लॉग हटाते हैं, ठीक है, इन लोगों के लॉग लेके आते हैं। हम लोगों को कम से कम नहीं भी तो दो स्टैक से ज़्यादा चाहिए होगा, दो स्टैक के आसपास चाहिए होगा, ठीक है। तो फटाफट से जितने ज़्यादा हो सकते हो तो ज़्यादा लॉग यहाँ से काटते हैं और उसके बाद ले जाते हैं, फिर आगे का प्लान समझाते हो। क्योंकि सोचो ना, अगर कोई बंदा उसके अंदर गिरा और उसके पास वाटर बकेट होगी, जैसे मैं दो तीन बार गिर चुका हूँ, मेरे पास वाटर बकेट है, तो मैं वहाँ पर सर्वाइव कर जा रहा हूँ, ठीक है, बार बार मैं वाटर बकेट मार के सर्वाइव कर ले रहा हूँ, बट अगला बंदा नहीं करना चाहिए, राइट। तो थोड़ा सा पैनिक तो होना चाहिए, लाइक मेरे को तो चलो पता है कि वहाँ पर क्या है, लेकिन अगले बंदे को पता भी नहीं होगा, तो वो थोड़ा सा पैनिक वाला सिचुएशन हम लोग बनाएंगे। और ये सुअर आजाद कर दिया है मैंने, बहुत बढ़िया। चलो फटाफट से जितना ज़्यादा वुड हो सकता है ज़्यादा वुड जमा करते हैं और चलते हैं वापस। तो गाइज अब हम लोग क्या करने वाले ना, इतना सारा वुड जो हम लेके आए थे उससे हम लोगों ने बना लिए ढेर सारे क्राफ्टिंग टेबल। अब हम लोग बस कुछ नहीं करेंगे, हम लोग ये पूरे एरिया को ना नीचे के इसको हटा के पूरा क्राफ्टिंग टेबल बना देंगे, बस एक जगह को छोड़ के, और वो मैं अभी बताता हूँ वो कौन सी जगह होने वाली है। तो चलो फटाफट से करते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया हम लोगों को हटाना है। लो भाई क्राफ्टिंग टेबल, ला फेंक फेंक दे, हाँ डाल 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 सारी डाल। अच्छा देखो, तो गाइस देखो ये तुम लोग सोच रहे हो ये क्या चीज़ है, ठीक है, तो ये मैं तुम लोगों को थोड़ी देर बाद समझाता हूँ। अभी ये तुम लोगों को वैसे कायदे से जितने लोगों को समझ में आ गई होगी ना उनको समझ में आ गई होगी, जिनको समझ में नहीं आया वो देख लेना, बाकी कमेंट सेक्शन में बताना मत भूलना अगर तुम लोगों को समझ में आ गई ये क्या बनाया हमने, ठीक है, ये छोटा सा एरिया क्या है, ठीक है। आई होप ये बस इसमें एनिमी ना गिरे, बाकी सब तो कूल है। तो गाइज देखो, हम लोगों ने पूरा का पूरा नीचे क्राफ्टिंग टेबल से भर दिया है, और ये एरिया आई होप तुम लोगों को सही समझ में आया होगा। हम लोग यहाँ पर ना जैक या फिर रॉनी दोनों में से एक जना एक रहेगा, या फिर मैं भी हो सकता हूँ, जब भी ट्रैप लगाएंगे हम लोग तो एक बंदा इसके जस्ट ऊपर खड़ा होगा, ताकि पूरा का पूरा सामान हटे, बंदा इसको मारने आएगा, ठीक है, जो भी यहाँ पे खड़ा रहेगा उसको मारने आएगा, और सेफ हो जाएगा वो बंदा जो यहाँ पर खड़ा होगा, और बाकी सारे के सारे मर जाएंगे क्योंकि वो यहाँ पे गिरेंगे, और किसी को भी पता नहीं रहता एकदम से कि यार वाटर बकेट करनी है, तो लाइक वाटर बकेट कर लेते हैं, बट उनको ये याद नहीं रहेगा कि शिफ्ट दबा के वाटर बकेट करनी है। चलो गाइस सुबह हो गई अगली, अब हम लोग क्या करते हैं, देखो हम लोग क्या करने वाले ना, इसके ऊपर रोने हम लोगों को पूरा का पूरा सैंड लगाना है, देख रहे हैं, अब ये पूरा का पूरा सैंड इसके ऊपर लाइक ऐसे अटक जाएगा, ठीक है, नीचे एकदम मस्त करके क्राफ्टिंग टेबल, और वो पानी वाली जगह जहाँ पर हमारा बेट वाला बंदा होगा, जो भी होगा, मैं रोनी या फिर जैक में से जो भी बंदा होगा बेट, वो आ जाएगा, ठीक है। तेरे पास जैक, तेरे पास वो पड़े हैं क्या साइन बोर्ड, पड़े थोड़े भाई, मेरे लास्ट में पड़े थे, नीचे जाके ले आओ। ना भाई मैं नहीं जा रहा नीचे अब। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया जैक, ताली होनी चाहिए तेरे लिए, तो साले क्या करा इसने, नीचे फेंक दिए साइन बोर्ड भी, मांगे इससे नीचे फेंक दिया। तो गाइस यार ये ट्रैप फाइनली कंप्लीट हो चुका है, तो देखो ये ट्रैप कैसे काम करने वाला है, ठीक है। अपना जो बंदा होगा जो ये वाला साइन बोर्ड तोड़ेगा, ये साइन बोर्ड को तोड़ते ही कायदे से सारे के सारे साइन बोर्ड खुद ही टूट जाने चाहिए, और ये पूरा डर्ट नीचे चले जाना चाहिए, लाइक डर्ट नहीं, ये पूरा का पूरा सैंड जो है ग्रेविटी ब्लॉक है वो पूरा का पूरा नीचे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर एक बंदा बैठा रहेगा जो अगले बंदे का कॉल का इंतजार करेगा कि कैसे बंदा आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो अपना बेट वाला बंदा है ना उसको यहाँ खड़ा होना पड़ेगा, ताकि जो भी बंदा आएगा उसे मारने के लिए, तो वो यहाँ पर खड़ा है, अगर उसका इसका ब्लॉक टूटा तो वो सीधे नीचे जाके पानी में गिरेगा, तो वो जिंदा रहेगा, और बाकी जो भी बंदा यहाँ पर बाकी जगह पे होगा ना वो सीधे डेड होगा भाई। तो बस यही है कि बाय चांस अगर जैसे मैं हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो जैसे ही मेरे को बंदा दिखेगा कि वो इसमें आया, ठीक है, जैसे ही वो इस सैंड में आया मैं बोल दूंगा कि तोड़ दे, तो वो तोड़ देगा और ये सारा का सारा गिरना चाहिए। अभी हमारे पास एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है, वरना मैं एक बार इसको गारंटीड लाइक एक्सपेरिमेंट करके देखता कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। तो अभी के लिए तो यार हम लोग इसको कायदे से वैसे टेस्ट करना चाहिए कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है, अगर बाय चांस एंड मोमेंट पे काम नहीं कर रहा ना तो भाई बहुत ही गंदी बीटी हो जाएगी, बट अभी के लिए हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है भाई, हम लोगों को टूल्स वूल्स बनाने, तो सीधे निकलते हैं और अब बनाते हैं अपने लिए डायमंड के टूल और आर्मर। भाई भाई जैक भाग 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 मेरे पीछे पीछे भाग, एक काम कर तू मेरे पीछे पीछे भाग, तू अपनी पोजीशन ले, ठीक है, मैं इनको अपने पीछे लेके जाता हूँ, मेरे को कुछ देखना है, भागता जा जैक, आराम से जाइयो, मरियो मत, बस आ रहे क्या मेरे पीछे पीछे, आते रहे, आजो 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 आजो,
को डैमेस्टन को पढ़ रहा है, देख लिया जो करना था, सब जैक ना आ गए। जैक जैक पोजीशन ले ले। जैक मेरे को बता दियो ठीक है, जैसी हुआ है ठीक है। जैक भाई कुछ बोल क्यों नहीं रहा क्या? यस बच गया जैक। भाई ये तो बनाए भाई, इसके बाद ब्लॉक खत्म नहीं होते क्या? बस देखे जा रहे, बनाए जा रहे, देखे जा रहे, बनाए जा रहे। कहीं जा सकता है? ओके नीचे मेरे को एक वाटर दिख रहा है। ओके ठीक है, हम लोग वाटर में भी कूद सकते हैं। नाइस, चलो बढ़िया। ओके चलो बढ़िया, हम लोगों ने इसे काफी लीड ले ली भाई। प्लीज यार क्या कर सकते हैं हम लोग, मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं है। बस बनाए जा रहा हूँ, बिल्डिंग करे जा रहा हूँ। एक मिनट, इसका ब्लॉक खत्म हो गया? नहीं। ओके व्हाट, मैंने उसे मार दिया। बट यार वो उसने वेपन है, बारिश भाई कोई वेपन मिला नहीं है। बारिश कहां की आ गई भाई फ्री की? व्हाट हो क्या रहा है यार भाई, ये चल क्या रहा है इस वर्ल्ड में भाई? मेरे को समझ में नहीं। ओ शिट भाई, भाई 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 इनसे मैं अकेले नहीं लड़ पाऊंगा भाई। दो दो एक कम था क्या भाई? क्यों मारा मैंने उसको? इससे बढ़िया उसको वहीं रहने देता, थोड़ा टाइम तो मिलता। अब कैसे ना कैसे करके इन लोगों को विलेज तक का लेके आना पड़ेगा या फिर। ओके भाई यार, आई होप भाई रॉनी और जैक विलेज में वापस आ चुके होंगे। ये लोग ना भाग जाए भाई, और इन लोगों ने अगर ट्रैप नहीं करा होगा तो फिर तो और बुरा हो जाएगा। एक मिनट में इनको लावा में डालने की ट्राई करता हूँ। भाई मैं ऑलमोस्ट मर गया था। ओके तो इसका मतलब कि उसको, ओह नो भाई, भाई खेल रहे हैं क्या मेरे साथ भाई? भाग देख क्या रहे हो? मैं भागो, पीछे देख अपने भाई। भाई एक भी नहीं, दो दो थे, एक को मैंने लावा में गिरा दिया, बट एक अभी भी जिंदा है भाई। पहली बार देखा भाई मैंने। अबे वो जो दो वाला बंदा था वो ही दो बन गया भाई, वो जो ब्लैक एंड व्हाइट था भाई। व्हाइट वाले को मैंने मार दिया, ब्लैक वाले को मारने के लिए कुछ करना पड़ेगा। ए जैक कहाँ गया? जैक मर गया क्या? नहीं ठीक है, जैक नहीं आ रहा। शिट यार ब्रो, मॉब्स अलग से परेशान कर। एक काम करो, सुनो बगल वाली विलेज में चलो, बगल वाली विलेज में चलो, वहीं कुछ होगा। दिमाग लगाते हैं, जल्दी 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 जल्दी। आ रहा है क्या वो पीछे? भाई मेरी एचपी बहुत कम है। ओके बच बच के चलना भाई। वो फुल एकदम दौड़ते हुए आ रहे यार, वो और ज्यादा गुस्सा होगा भाई। मैंने वो व्हाइट वाले को, सॉरी भाई यार गलती से हो गया, पहले इसको मारा फिर उसको मारा। ओ व्हाट, ओ नो 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 नो, मैंने लेट था ट्राइडेंट। ओ भाई वो मेरे पीछे है, वो झाड़ तोड़ रहा है भाई, बचाओ मेरे को भाई। ओके जल्दी खाना ना खाते, पर तो नहीं आ पाएगा यहाँ पे। रन देख क्या इससे हम लोग डायरेक्टली फाइट नहीं सकते भाई, उसके पास शार्पनेस 5 वाला है मोस्ट प्रोबब्ली। ओके ओ भाई कोई ट्राइडेंट मार रहा है, व्हाट? अरे सब कुछ आज ही होना था क्या? बच के रहना रोनी, वो देख नीचे से भाई, ये पता नहीं कहां से आ रहे हैं इनको। मैं अरे अरे ट्रेंड वाले को मैं देखता हूं, देख क्या मार देगा वो। कहां चले गए सारे के सारे भाई, मरमुरा गए क्या? हेलो भाई, ओ भाई, हाँ भाई, अबे भाई ये, अबे यार ये मेरे पीछे पड़ गया, लेट बे यार। आ रहा हूं मैं नीचे यार, बचाओ मेरे को, मरना मत बस, मरना मत, मैं आ रहा हूं, पहुंच रहा हूं मैं, भाग रहा हूं। ये क्या कर रहे हैं? डायमंड की चेस्ट प्लेट कर क्या रहे हैं यहां पे भाई? कहां गया? मेरे पास क्या लड़े? ओ भाई मेरी 3 HP। ओके रुक जाओ, तो तू क्या चाहता है सही में लड़े हम इससे?
उसके पास मोस्ट प्रॉब्ली भाई शार्पनेस वाली वो है, सूप वो है एक्स उसके पास चढ़ रहा है, ऊपर चढ़ रहा है, ओ तुम्हारे साथ चलूं, ऊपर चढ़ रहा है, नो नो नो, ओके बढ़िया, बहुत बढ़िया, भागो, चल 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 बिक रहे, ओके ठीक है भाई लड़ना ही है ना, तो चलो फिर लड़ते हैं, बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दे दो, देर को एक ये और मेरे को बूट चाहिए होंगे, बस देर को, अरे ये क्या सब रखा हुआ है मैंने भाई, ये पहन लेते हैं, एक स्वॉर्ड बना लेता हूँ बस अपने लिए फटाफट, ओह नो, ओह ओबे भाई यार मेरे पास चार हार्ट से सिर्फ, गुड बाय, ओह नो, ओ भाई भाग भाग भागो 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 भाई फुल आर्मर के साथ भी, ओ नो भागते रहो भागते रहो, उससे लड़ो ना भाई, अरे यार दो मिनट रुकना, मेरी एचपी भी कम है, सब कुछ कम है मेरे पास यार, ओ भाई, अरे यार भाई वो दो मिनट खड़े नहीं होने देते भाई किधर, अरे भाई ये क्या बंदा भाई, मेरी तीन एचपी है, मैं अकेले नहीं कर पाऊंगा, मैं बता रहा हूँ तुम लोगों को भाई, मेरे को तुम लोगों की हेल्प चाहिए होगी, सारे के सारे मेरे को बीच में मिलो, बीच में मिलो जहाँ पे मैंने टावर बना कर, निकल दिया जल्दी मेरे साथ, जहाँ पे मैंने टावर बना रखा वहीं पे मिलो को जल्दी, जैक है यहाँ पर, लेट्स गो, ओ मेरे पीछे आ रहे क्या, लेट्स गो, अब लड़ना पड़ेगा भाई, सारे लड़ो, सारे मारो 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 भाई, अब नहीं है, मैं ट्राई करता हूँ टैंक करने का, पीछे हो जाओ, पीछे जाओ, जिसको भी एचपी कम लगे पीछे हो जाओ, ठीक है तब तक मैं लड़ रहा हूँ भाई, कितनी एचपी है भाई, डायमंड की स्वॉर्ड से मार रहे ब्रो, तुम भी पीछे, तुम भी पीछे, तुम पीछे जाओ, मैं ना, मेरे पास भी एचपी है, मेरा भी हो जाएगा, मैं जैसे मेरे को लो लगेगी मैं भाग जाऊंगा, ओ ये क्या, व्हाट भाई जैक ने मारा क्या, नहीं मैंने मारा, मैंने मारा, मेरे ख्याल से जैक ने मारा फाइनल शॉट रे, अरे मैंने मारा जैक, ओए ओए दिनो भाई, ये हमारा पहला एंड्रू गॉड के जनरल का वेपन है क्या, ओ भाई ओ भाई, अच्छा देखते हैं इसमें क्या होगा,